hello students welcome again our free tutorial youtube channel this is nisha pamar we are studying here about company accounts we have read a lots of topic on company in our last videos and student you will find links to all the videos so far in description box below and in our today's video we will discuss about issue of shares वी स्टार्ट अवर टॉपिक तो स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोई भी कंपनी होती है तो वो अपनी जो भी शेयर्स होते हैं उसको पब्लिक को इन्वाइट करती है जिससे कि कंपनी को कैपिटल रिसीव होती है और फिर उस कैपिटल से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती है ठीक है तो हाउ विल एनी कंपनी इशू देयर शेयर कि कैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स ईशू करेगी तो इसके दो तरीके होते हैं सबसे फर्स्ट आपका है प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड सेकेंड इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स तो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है देखो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इनवाइट ना करके वो प्राइवेटली किसी ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को या फिर आ, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं कोई प्रमोटर्स हो सकते हैं उनको अपने शेयर्स इशू कर दे जैसे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके या फिर आपकी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स हो गए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि आप अपने शेयर्स इशू कर सकते हो और उनसे आप एक लमसम अमाउंट ही ले सकते हो अपने शेयर्स का ठीक है तो इस तरह से अगर आप आप अपने शेयर्स को इशू करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ यू इन प्रोस्पेक्टस ठीक है और ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये आपको अपने रजिस्ट्रार को सबमिट कराना होगा थ्री डेज बिफोर अलॉटमेंट आप अपने शेयर्स देने से पहले इसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे कि आप अपने शेयर्स किस तरीके से इशू करोगे ठीक है और जो आपके अलॉटी हैं मतलब जिनको आपने अपने शेयर अलॉट किए हैं वो अपने शेयर्स को सेल भी नहीं कर सकते बिफोर थ्री इयर्स ऑफ अलॉटमेंट आपने जब उनको अलॉट किए उसके थ्री ईयर से पहले वो उसको सेल भी नहीं कर सकते हैं ठीक है और ये जो टाइम पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड इसके बाद सेकंड हमारा आता है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप पब्लिक को इशू करने इशू कर रहे हो अपने शेयर्स पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो ताकि वो आपके शेयर्स को परचेज़ कर सकें तो यहाँ पे भी आपके दो तरीके होते हैं एक आपका होता है फॉर कैश एक होता है फोर कंसिडेशन अदर देन कैश फोर कैश का मतलब आपने पब्लिक को इशू किया और बदले में आप उनसे कैश में अमाउंट ले रहे हो ठीक है और फोर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो या फिर आपने अपने शेयर इशू किए लेकिन आपने बदले में कैश ना लेके कुछ और ले लिया अब कुछ और क्या हो गया देखो जैसे कि अगर आपको कोई एसेट खरीदनी है ठीक है तो आप जो आपका वेंडर है उसको एसेट के बदले में अमाउंट ना दे के आप क्या कर सकते हो आप अपने शेयर्स दे सकते हो उसको ठीक है ऐसे ही अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो जैसे कि हम लोग जब अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्रार को भी कुछ अमाउंट पे करना होता है तो वहाँ पर आप अमाउंट पे ना करके आप उसको अपने शेयर्स इशू कर सकते हो ठीक है और और भी हो सकता है जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी परचेज की है या फिर आप किसी कंपनी पे टेक ओवर करना चाहते हो तो आप उस कंपनी को उसके एसेट्स लाइबिलिटी लेके उसको अमाउंट ना दे के उसको अपने शेयर्स दे सकते हो ठीक है तो ये आपका होता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश एंड इसके बाद अगर आप कैश में इशू कर रहे हो तो कैश में इशू करने के भी आपके दो मेथड्स होते हैं एक आपका होता है इन लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन कि या तो आप अपना सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगवा लो मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगवा लो या फिर हो सकता है इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस जैसे कि पार्टली ऑन एप्लीकेशन पार्टली ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन वन और मोर कोल्स तो या फिर आप अपना इंस्टॉलमेंट में मंगाओगे जैसे कि पहले आपने एप्लीकेशन पे पे मंगवाया मंगवाया फिर आपने आपने कुछ आपने कुछ कुछ अमाउंट अमाउंट फर्स्ट और सेकंड कॉल्स वगैरह पे मंगवाया ठीक है तो देखो जब लमसम अमाउंट आपका आता है तो वहाँ तो आपको ज़्यादा एंट्रीज करने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर आप सिर्फ दो ही एंट्रीज करोगे लेकिन जब आप अपना इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी एंट्रीज करनी होती है ठीक है और जब आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कोई भी कॉल जो है वो आपकी फ़ेस वैल्यू की ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फेस uh, वैल्यू का मतलब है कि जैसे कि uh, आपका शेयर अगर दस रुपये का है तो आपकी कॉल जो होगी वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके बाद आ, और हो सकता है कि आप जो भी कॉल मंगवाओगे तो दो कॉल्स में जैसे कि आपने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मंगवाई तो दो कॉल्स में कम से कम वन मंथ का गैप आपका होना चाहिए ठीक है और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि जब आपने अलॉटमेंट अपनी ड्यू की तो उसके लिए आप अपने शेयर होल्डर को फोर्टीन डेज का कम से कम टाइम दोगे कि भाई फ़ोर्टीन डेज़ के अंदर आप अपनी पेमेंट कर सकते हो अगर तब वो नहीं करता है तो फिर आप मतलब अपना आगे एक्शन ले सकते हो बट आपको 14 डेज तक कम से कम वेट करना पड़ेगा कि वो अपना अलॉटमेंट मनी या फिर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल मतलब जो भी आपने मंगाया वो आपको दे दे तो उसके लिए आपको उसको कम से कम 14 डेज का टाइम देना होता है ठीक है नाउ स्टूडेंट हम एंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप इशू ऑफ शेयर कर रहे हो इन कैश एंड अमाउंट पेबल इन लमसम आप सारा का सारा अमाउंट अपना लमसम में ही मंगा रहे हो तो आपको क्या एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी सबसे फर्स्ट एंट्री आप सबसे पहले देखो क्या होता है आप लोग पब्लिक को इन्वाइट करते हो अपने शेयर्स के लिए तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उसके बाद आप अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स अलॉट करते हो तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ही हो जाएगा उसी में ही आपने एप्लीकेशन मंगा लिया और उसी में ही आपने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए तो यहां जो एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी वो एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन आपकी आ जाएगी द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आपको सबसे पहले आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसके बाद आप अपने शेयर्स अलॉट करोगे फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है कि ये जो आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो मनी आया है इसको हम ट्रांसफर करते हैं अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नरेशन आप डालोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ये आपकी दो ही एंट्रीज होती हैं जब आप अपना अमाउंट लमसम मंगा लेते हो तब एंड अगर आप अपना अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो तो वहाँ पे भी देखो प्रोसेस तो आपका यही होगा कि सबसे पहले आप पब्लिक को इनवाइट करोगे अपने शेयर्स परचेज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा उसके बाद आप अपनी अलॉटमेंट मंग अलॉटमेंट उनको दोगे मतलब अपने शेयर अलॉट कर दोगे उनको और फिर जैसे जैसे आपका जो जो अमाउंट बचा है आप वो अमाउंट अपना कॉल्स में मंगवाते रहोगे ठीक है तो सबसे पहले तो हमें हमारी एप्लीकेशन मनी ही रिसीव होती है उसके लिए एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और देखो यहाँ जो हम ये शेयर लिख रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है शेयर कौन सा है इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो यहां पे आपको शेयर का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा अगर आपका इक्विटी शेयर है तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अगर आपका प्रेफरेंस शेयर है तो आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन ठीक है इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ठीक है इसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की ठीक है अभी क्या करोगे आप अपने शेयर अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दोगे और अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दोगे कि आप हमारी अलॉटमेंट मनी भी अपनी दे दो जैसे कि देखो इंस्टॉलमेंट में कैसे मंगवाओगे जब सपोज आपका टेन रुपीज़ का शेयर है तो थ्री रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए थ्री रुपीज़ अलॉटमेंट पर मंगवा लिए आपके बचे फोर रुपीज़ बचे तो फोर रुपीज़ को आप टू टू करके आप फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल करके मंगवा लोगे ठीक है इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाओगे तो एप्लीकेशन मनी तो आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएगा बट बाकी आपकी जो अलॉटमेंट होगी कॉल होगी वो आपको पहले ड्यू करनी पड़ेगी पहले आप ड्यू करोगे आप अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करोगे कि भई हमारी अलोटमेंट मनी दे दो हमारी कॉल मनी दे दो फिर उसके बाद आपके शेयर होल्डर आपको अमाउंट पे कर देंगे ठीक है तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे उसकी एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन आपकी आएगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इसके बाद आपकी अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो अलॉटमेंट तो मनी रिसीव्ड तो आप नरेशन डाल दोगे उसके बाद अगर आपकी कॉल्स भी हैं तो अगर देखो सिंगल कॉल है तो आप डाल दोगे शेयर फाइनल कॉल अगर आप फर्स्ट सेकेंड करके दो कॉल्स मंगवा रहे हो तो आप डाल दोगे शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकेंड कॉल ठीक है जैसे भी आपका हो आप उस तरह से एंट्री कर सकते हो एंट्री आपकी यही होंगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये हमने ड्यू कर दी हमारी कॉल इसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो आपको अपनी कॉल मनी रिसीव हो जाएगी ऐसे ही आपकी अगर और भी कॉल्स हैं आपकी सेकेंड कॉल है आपकी फाइनल कॉल है तो आप इसी तरीके से एंट्रीज करते रहोगे मतलब आपको हर इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्रीज करनी है एक आपको ड्यू करने की और एक आपको रिसीव करने की ठीक है इस तरह से हमारी एंट्रीज होती हैं जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं कैश के ऊपर ठीक है कैश में अगर आप इशू कर रहे हो तो नाउ टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर अब देखो आपने सबसे पहले आपका होता है इशू आपने इशू ऑफ शेयर आप किस तरीके से करना चाहते हो आप पब्लिकली करना चाहते हो या फिर प्राइवेटली करना चाहते हो प्राइवेटली में आपने प्राइवेटली कर दिया काम ख़त्म पब्लिकली करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपकी दो थे या तो आप कैश में करोगे या कंसडेशन अदर देन कैश करोगे तो हमने कैश वाला टॉपिक अपना उठाया सबसे पहले कैश वाले में भी आपकी दो तरीके थे या तो आप पूरा अमाउंट इकट्ठा मंगवा लोगे या फिर आप इंस्टॉलमेंट में मंगवाओगे ठीक है तो इकट्ठा मंगवाओ इंस्टॉलमेंट में मंगवाओ ठीक है वो कोई मैटर नहीं करता आपको एंट्रीज जो भी होनी थी वो मैंने आपको बता दी अब इसके बाद आपका आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी आपके शेयर्स को इशू करने की तो आप इशू दो तरीके से कर सकते हो एक आपका होता है एट पार एक होता है एट प्रीमियम एट पार का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फेस वैल्यू है आप उसी पर ही अपने शेयर्स इशू कर रहे हो ठीक है फेस वैल्यू का मतलब अभी मैंने बताया अगर आपका शेयर टेन रुपीज़ का है तो आप पब्लिक को टेन रुपीज़ के लिए ही इनवाइट करोगे ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी उनसे नहीं मांग सकते हो मतलब एक शेयर होल्डर जो है वो टेन रुपीज़ देने तक ही लाइबल होगा उससे ज़्यादा अमाउंट वो आपको पे नहीं करेगा उसके बाद एट प्रीमियम का क्या मतलब है कि आप अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट अपने शेयर होल्डर से मंगवाते हो जस्ट सपोज़ आप टेन रुपीज़ का आपका शेयर है उसके ऊपर आप टू परसेंट प्रीमियम ले रहे हो आप फ़ाइव परसेंट प्रीमियम ले रहे हो आप टेन परसेंट प्रीमियम ले रहे हो तो वहां पे क्या होगा आपकी फ़ेस वैल्यू में उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा और जो आपका शेयर है वो उतने अमाउंट का हो जाएगा ठीक है और ये जो प्रीमियम होता है इसको हम एंट्री में डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से ठीक है तो प्रीमियम वाला टॉपिक तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम आज नहीं करेंगे इसको आज हम करते हैं इशू एट पार अब देखो इशू एट पार में आपका लमसम भी मंगवा सकते हो आप इंस्टॉलमेंट भी मंगवा सकते हो दोनों केसेस में आपका एट पार हो सकता है तो एट पार से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एट पार का क्या मतलब होता है ओके सो so स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल है डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 थाउजेंड नाइनटीन वन लैक इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच एट पार क्या किया उसने अपने इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को ऑफ़र किया है वन लैक के उसके शेयर्स हैं और फर्स्ट अप्रैल को कर रही है एंड उसकी जो फेस वैल्यू है वो टेन रुपीज़ है एंड एट पार पर ही इशू कर रही है पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन और सारा जो अमाउंट है वो कब पेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे ही मंगवा लेंगे मतलब लमसम अमाउंट यहाँ पे मंगाया जा रहा है देन एप्लीकेशन्स वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स बाई थर्टियथ अप्रैल आपको थर्टियथ अप्रैल तक सारे का सारा अप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया एंड शेयर्स वार अलॉटेड ऑन फिफ्टीन मे टू थाउजेंड नाइन्टीन और आपने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए फिफ्टीथ मे टू थाउजेंड नाइन्टीन को आपको इसके बेसिस पे एंट्रीज करनी है तो देखो सबसे पहले तो ये हमारा कैश वाला है कि हम कैश में पब्लिक को सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने शेयर सेकंड थिंग एट पार पे कर रहे हैं मतलब आप फेस वैल्यू पे कर रहे हो एंड थर्ड थिंग आप लमसम अमाउंट मंगा रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो एंट्रीज ही करनी है ठीक है तो एंट्रीज हमारी हो जाएंगी आपको यहाँ पे जर्नल में ही एंट्री करनी होती है तो जैसे हम लोग जर्नल में करते थे ना डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट उसी तरीके से आपको एंट्री यहाँ पे करनी होती है तो आपका ट्वेंटी नाइन थर्टियथ अप्रैल को आपको अमाउंट रिसीव हुआ है तो आप डेट डालोगे टू अप्रैल थर्टी सबसे पहले एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या एंट्री होती है आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे शेयर का नाम भी डालोगे क्योंकि आपको यहां पे शेयर मेंशन किया हुआ है कि कौन सा शेयर है ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिखा क्योंकि आपने सारा अमाउंट जो है वो लमसम ही आप मंगा रहे हो ठीक है तो अमाउंट कितना आ जाएगा वन लाख के आपके शेयर हैं टेन रुपीज का एक शेयर है तो अमाउंट यहां पे आ जाएगा आपका टेन लाख रुपीज ठीक है और नरेशा हम लोग डाल देंगे बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन वन लाख इक्विटी शेयर एट टेन ईच मतलब आपका दस रुपये का एक शेयर था और आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं हम अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपने कब अपने शेयर अलॉट किए फिफ्टीन मे को तो जिस दिन आपने अलॉट किए उसी दिन आप इसको अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो मे फिफ्टीन को आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है अमाउंट आपका यहाँ पे भी आ जाएगा टेन लैख और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा टेन लैख रुपीज ठीक है और इसको हम न्याण रेशन डाल देंगे बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या इसको ले सकते हो शेयर कैपिटल ठीक है तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है ये देखो आपका इशू एट पार वाला केस था इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इशू एट प्रीमियम वाला जो टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे And I hope you all understand this topic very well. And if you have any doubt in this topic, you can ask by commenting in our comment section. Thank you.